गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इससे लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर के सभी एक्सरसाइजों को और सभी थ्योरम्स को वन बाय वन करके सॉल्व किया है। अगर अभी आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं, तो आइए जान लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलीनोमियल इन एक्स, यानी कि अगर आपका पी एक्स कोई पॉलीनोमियल है एक्स में, देन दी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स, तब पी एक्स में जो एक्स की हाईएस्ट पावर होगी, पी एक्स क्या है, एक पॉलीनोमियल है, और पी एक्स में एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी क्या कहलाएगी, द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, वही पॉलीनोमियल की डिग्री कहलाएगी। जैसे एग्जांपल मैंने बताया, ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्री वी कैन डिफाइन एज, यानी कि डिग्री के आधार पर हम लोग पॉलीनोमियल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। कैसा, फर्स्ट होता है आपका लीनियर पॉलीनोमियल। लीनियर पॉलीनोमियल यानी कि ऐसा पॉलीनोमियल जिनमें जो आपका वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है 2x+3, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स है, और एक्स की पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पर क्या है, 4x+9, यहाँ पर भी एक्स की पावर कितनी है, 1 है। तो ये भी आपका कैसा हो गया, लीनियर पॉलीनोमियल। यहाँ पर भी एक्स की पावर 1 है और यहाँ पर भी एक्स की पावर 1 है, तो ये आपका कैसा हो गया, लीनियर पॉलीनोमियल। इसी तरीके से आपका आता है दूसरा, फिर आपका आता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। अगर किसी पॉलीनोमियल में जो आपका वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो आपका क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है x²-9, यहाँ पर आपका वेरिएबल क्या है, एक्स है, और एक्स की घात कितनी है, 2 है, तो ये आपका कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, y²+8, यहाँ पर आपका वेरिएबल क्या है, पाई है, और पाई की पावर कितनी है, अधिकतम 2 है, तो ये आपका कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इस तरीके से आपका तीसरा होता है क्यूबिक पॉलीनोमियल। अगर किसी भी पॉलीनोमियल में आपका जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 3 है, तो वो आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल कहलाएगा। जैसे आपका एग्जाम्पल है x³+3x²+1, यहाँ पर तो भाई x की पावर 2 भी है और x की पावर 3 भी है, लेकिन मैंने ऊपर डेफिनेशन में क्या बताया, दी हाईएस्ट पावर, यानी कि हम लोगों को इससे मतलब है हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो ये कैसा होगा, ये आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल होगा। ऐसे मैं यहाँ पर देख लेता हूँ 2x³+9, यहाँ पर भी x कैसा है, वेरिएबल है, और x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो ये भी आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल हो गया। तो ये तो आपकी पॉलीनोमियल का कैसा था, पूरा कॉन्सेप्ट था कि पॉलीनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। अगर डिग्री 1 है तो आपका लीनियर पॉलीनोमियल, अगर डिग्री आपकी 2 है तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, और अगर आपकी डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलीनोमियल। अब बात कर लेते हैं ज़ीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल, यानी कि किसी भी पॉलीनोमियल के ज़ीरो क्या होते हैं। तो इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलीनोमियल इन एक्स, मतलब अगर पी एक्स कोई पॉलीनोमियल है एक्स में, एक्स क्या है, कोई वेरिएबल है, देन दी वैल्यू ऑफ एक्स, तब एक्स की वो वैल्यू एट विच पी एक्स की वैल्यू 0, यानी कि एक्स की वो वैल्यू जिस पर पी एक्स की वैल्यू आपकी 0 हो जाए, क्या कहलाएगी, 0 ऑफ पी एक्स। मतलब अगर पी एक्स कोई एक्स में एक पॉलीनोमियल है, तो एक्स की वो वैल्यू जिस पर आपकी पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो हम लोग एक्स की उस वैल्यू को क्या कहलाएंगे, 0 ऑफ पी एक्स। जैसे एग्जाम्पल क्या है आपका, पी एक्स इज इक्वल टू 8x+4, ये आपका कैसा है, एक पॉलीनोमियल, और कैसा पॉलीनोमियल है, लीनियर पॉलीनोमियल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, इज़ अ पॉलीनोमियल। हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर 0 ऑफ पी एक्स, यानी कि हम लोगों को इस पी एक्स का 0 फाइंड आउट करना है, तो क्या कर देंगे, मैंने भी बताया कि भाई 0 के लिए क्या होती है, पी एक्स की वैल्यू 0 करना पड़ती है, तो मैं इस पी एक्स को 0 के इक्वल कर दूंगा। तो देखो 8x+4 = 0, तो 8x = ये प्लस का 4 था, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का हो गया, यानी कि 8x = -4। अब यहाँ पर ये 8 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ये इक्वल की दूसरी साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और हम लोग उसको 4 से कट करेंगे तो 1/2, यानी कि x की वैल्यू माइनस का, यानी कि अगर हम लोग x की वैल्यू माइनस का 1/2 रखेंगे तो पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैंस x = -1/2 इज दी 0 ऑफ पी एक्स, तो x = -1/2 जो है वो इसका क्या होगा, एक 0 होगा। जैसे मैं यहाँ पर माइनस का 1/2 रख के देख लेता हूँ, तो 8 एज इज रखा और x की जगह पे मैंने 1/2 रख दिया है, और प्लस का 4, इस 2 4 8, तो ये 4 टाइम गया, माइनस का 4 और प्लस का 4 मिलकर के ये 0 हो गया, यानी कि आप देख रहे हो p की जो वैल्यू है वो माइनस का 1/2 पर क्या हो रही है, 0 हो रही है,
उम्मीद है, एक मोड पॉइंट है, फॉर एनी पॉलिनोमियल नंबर ऑफ़ जीरो, यानी किसी भी पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ़ जीरो होते हैं वो क्या होते हैं, उस पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर होते हैं। चूँकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, वन है, तो इसका केवल एक ही जीरो होगा, वो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन बाई टू। अगर आप इसमें x इक्वल टू माइनस का 1 बाई टू रखते हो तो ही आपको इसकी वैल्यू जीरो मिलेगी, नहीं तो x की किसी भी वैल्यू पर आपको इसकी वैल्यू जीरो नहीं मिलेगी। ठीक है, नाउ हम लोग अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल देख लेते हैं, यानी कि हम लोग अब किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोज़ होते हैं उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लेते हैं। तो इसके लिए लेट अस अज्यूम दैट पी एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 4 इज अ पॉलिनोमियल। हमने मान लिया कि पी एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 4 आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इफ़ वी वॉन्ट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि हम लोग अगर इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, देन पुट पी एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हम लोगों को पी एक्स इक्वल टू वाई रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर रख दिया है वाई इज इक्वल टू 8x प्लस 4 और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसको देखो एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। सभी लोग जानते हैं ये x एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ये x की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ये आपकी y की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और ये आपकी y की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, केस फर्स्ट, इफ़ बी पुट x इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन। अब हम लोग x की जगह पे जीरो रखेंगे पहले यहाँ पर। तो देखिए मैंने एक्स वाई रखा हुआ है, तो मैंने ज़ीरो रखा, तो जैसे ही यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो y की वैल्यू 4 मिली, जब x की जीरो वैल्यू रखी तो y की वैल्यू हम लोगों को 4 मिली। फिर केस सेकंड में क्या करेंगे, इफ़ b पुट y इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन, यानी कि अब इसमें y इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। तो y मैंने y की जगह पर ये जीरो रख दिया है और 8x को मैंने एज इट इज़ रखा है और प्लस का 4 मैंने एज इट इज़ रखा है। ये प्लस का 4 दूसरी साइड आया तो ये माइनस का हो गया और 8x ऐसे ही रहा। ये 8 इसके संग मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो जब हम लोगों ने y की वैल्यू जीरो रखी तो हम लोगों को x की वैल्यू माइनस का 1/2 मिली। तो देखो जब हम लोगों ने x की यहाँ पर जीरो रखा तो y की वैल्यू 4 मिली और जब y की वैल्यू जीरो रखी तो x की वैल्यू माइनस का 1/2 मिली। तो अब हम लोग इन पॉइंट्स को, ये जो हम लोगों को पॉइंट मिले 0, 4 और माइनस का 1/2, 0, इनको नंबर लाइन पर दिखाते हैं। तो x जीरो कहाँ पर मिलेगा, वाई वाई एक्सिस पे मिलेगा, तो x जीरो ये रहा और x जीरो के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो y की वैल्यू यहाँ पर ये 4 मिल गई, यानी कि पहला पॉइंट 0, 4 ये रहा। फिर दूसरा y जीरो कहाँ पर मिलेगा, x एक्सिस पे मिलेगा, तो ये y जीरो हो गया। और x इक्वल टू माइनस का 1/2 कब मिलेगा, 0 और माइनस के 1 के बीच में मिलेगा, तो मैंने ये 0 और ये माइनस का 1 इनके बीच में मैंने ये माइनस का 1/2 कंसीडर कर लिया है। तो यानी कि हमारा ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, माइनस का 1/2 और x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये 0 हो गई। अब हम इन दोनों लाइन पॉइंट को मिला देंगे, तो जब हमने इन दोनों को पॉइंट को मिलाया तो हमें क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिली, ये एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो हम लोग लिखेंगे हेयर वी गेट अ स्ट्रेट लाइन फॉर लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू 8x प्लस 4 विच इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट माइनस का 1/2, 0। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिली है इस पॉलिनोमियल के लिए, इस वाली पॉलिनोमियल के लिए, जो एक्स एक्सिस को एक्जैक्टली माइनस का 1/2, 0 पर इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। देयरफोर द लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू 8x प्लस 4 हैज़ एग्जैक्टली 1, 0। यानी कि क्या होगा, y इज इक्वल टू 8x प्लस 4 का क्या होगा, केवल एक जीरो होगा, कौन सा, द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द x एक्सिस, यानी कि जिस पॉइंट पे लाइन x एक्सिस को कट कर रही है उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा, इसका जीरो होगा। तो ये इस पॉइंट पे इसको कट कर रही है और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट ये रहा आपका, ये x है और ये y, तो x वाली ये क्या होगा, इसका ज़ीरो होगा, तो वही इसका ये ज़ीरो निकल आया है, यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, यहीं पर ये इसका प्रूफ हो जाता है। ठीक है।